आज मैं घर से दूर आया हूँ 5 किलोमीटर पिल्लू खाने के लिए। ये राजस्थान में अप्रैल मई महीने में पिल्लू होती है। एक जाल का पेड़ होता है, इसकी छाया बहुत ही घनी होती है और एक जाल का पेड़ विशाल होता है और यह एक मुलायम लकड़ी है और सूखने के बाद ही रेशेदार लकड़ी हो जाती है। तो अप्रैल और मई में इस पेड़ की पीलू लगती है, बहुत ही मीठी होती है और इसे मारवाड़ का अंगूर भी कहा जाता है। जो बहुत ही मीठी होती है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है और जिस भाई के पेट में गैस कब्ज़ की समस्या है और राजस्थान में बाड़मेर जैसलमेर आकर के 10 दिन लगातार पीलू खाने से उसकी कब्ज़ और गैस की समस्या मिट जाएगी। और कब्ज़ की तो मैं गारंटी लेता हूँ 100%। ये खाने से पेट अच्छी तरह से साफ हो जाता है, उसकी कब्ज़ की समस्या मिट जाती है। और हमारे मारवाड़ में कमर के लोटा जग बांध कर उसको पीलुओं को इकट्ठा किया जाता है, फिर इन पीलुओं को घर पे ले जाकर इनको सुखा के कोकड़ बनाई जाती है, जो वो गर्मी के दिनों में लंबे समय तक खाई जाती है। और इस कोकड़ के भारत के कई कोनों में बेचने के लिए भेजी भी जाती है और ख़ासकर बाड़मेर के चौटन क्षेत्र में की कोकड़ फेमस है। और कभी भी राजस्थान आओ तो बाड़मेर जैसलमेर इलाकों में जाल के पेड़ बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर आप कोकड़ खरीद सकते हो। और अभी अप्रैल और मई में पीलू लगती है जाल के पेड़ पर, तो इन पे लगे हुए अंगूर भी आप खा सकते हो। कभी भी आओ तो ये अप्रैल और मई में पीलू खाना ना भूले। सभी से ये अनुरोध रहेगा हमारा, बहुत मीठी अंगूर है। बहुत टेस्टी होता है। इसके बीज में ये छोटा सा इसका बीज होता है, इस बीज को फोड़िए ना, ये बीज खारा होता है, इसको फेंक देने का। इसका पेड़ बहुत मुश्किल से लगता है, खासकर खेत की मेड़ पे लगने वाला सहारे से बड़ा होता है। उस खेत की मेड़ पर या ज़्यादातर पेड़ होती है उसके सहारे ही उगता है, ये सिंगल पेड़ कहीं नहीं उगता है, बहुत मुश्किल से उगता है। और सभी से अनुरोध रहेगा बाड़मेर जैसलमेर से अंगूरों को खाने का आनंद जरूर ले। बाड़मेर अगर जैसलमेर आओ तो भूले ना खाने के लिए। और आज हमने पीलू इकट्ठे किए, मेहनत ली है 13 लोटे और मेरे साथ फ्रेंड उसने लिया है 11 लोटे। देख सकते हो